हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बहमनी साम्राज्य के विघटन के पश्चात बनने वाले पांच प्रमुख राज्यों में से तीन राज्य बीजापुर, बरार, बीदर की परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम पहले पांचों राज्यों का एक सामान्य परिचय लेंगे, उसके बाद बरार के इमाद शाही वंश से शुरुआत करेंगे। बीजापुर बहमनी साम्राज्य से विघटित होने वाला सर्वाधिक बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य था, तो बीजापुर के महत्वपूर्ण शासक यूसुफ आदिल खां, इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के विषय में विस्तृत परिचर्चा करेंगे और अंत में हम बीदर के वरीद शाही वंश के विषय में परिचर्चा करेंगे। बहमनी साम्राज्य के विघटन के पश्चात पांच अलग अलग राज्य बने। इनमें पहला राज्य बरार, इसकी स्थापना फतेहउल्लाह इमाद शाह ने की, इसे इमाद शाही वंश कहा। इसकी राजधानी एलिचपुर या गाविलगढ़ रही। 1484 में यह अलग हुआ। दूसरा राज्य और महत्वपूर्ण और बड़ा राज्य था बीजापुर। इसके संस्थापक यूसुफ आदिल खां थे, इसे आदिल शाही वंश कहा गया। इसकी राजधानी नौरसपुर रही और 1489-90 में यह स्वतंत्र हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण राज्य, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी और शक्तिशाली भी रहा, अहमदनगर। इसकी स्थापना मलिक अहमद ने की, निजाम शाही वंश कहा गया। जुन्नार या अहमदनगर इसकी राजधानी थी। 1490 में यह स्थापित हुआ। गोलकुंडा भी एक महत्वपूर्ण राज्य था जिसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने की, कुतुब शाही वंश कहलाया। गोलकुंडा इसकी राजधानी रही। 1512 से 1518 के बीच में इसका उदय हुआ। बीदर की स्थापना अमीर अली वरीद ने की, इस वंश को वरीद शाही वंश कहा गया। बीदर इसकी राजधानी थी। 1526-27 में इस वंश की स्थापना हुई। बरार का इमाद शाही वंश सबसे पहले बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला क्षेत्र था बरार। फतेहउल्लाह इमाद शाही ने इस वंश को 1484 में स्वतंत्र रूप से घोषित करके इमाद शाही वंश की स्थापना की। हालांकि 90 वर्ष के बाद ही बरार राज्य का अंत अहमदनगर के द्वारा कर दिया गया। बहमनी साम्राज्य के विघटन के पश्चात बनने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली राज्य था बीजापुर। इस बीजापुर राज्य को आदिल शाही वंश कहा गया। बीजापुर के सूबेदार यूसुफ आदिल खां ने 1489-90 में बीजापुर राज्य की स्वतंत्र घोषणा की और आदिल शाही वंश की स्थापना की। आदिल शाही सुल्तान स्वयं को तुर्की के ओटोमन साम्राज्य के साथ जोड़ते थे और उसी के वंशज के रूप में स्वयं को घोषित कर रखा था। आदिल खां एक धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था, किंतु वह शिया धर्म का पालन करता था। वह कला साहित्य का भी महान संरक्षक था। बीजापुर का अन्य महत्वपूर्ण शासक इब्राहिम आदिल शाह था। इब्राहिम आदिल शाह पहला शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की। साथ ही इब्राहिम आदिल शाह ने फारसी भाषा के स्थान पर दरबार में हिंदवी अर्थात ऐसी हिंदी जिसमें उर्दू के शब्दों को जगह दी जाती थी, और साथ ही हिंदुओं को भी उसने अनेक पदों पर नियुक्त किया। अली आदिल शाह अन्य महत्वपूर्ण शासक था। इब्राहिम के बाद उसका पुत्र अली आदिल शाह गद्दी पर बैठा। उसका अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री चांद बीबी से हुआ। अली आदिल शाह को सूफी संत के रूप में भी जाना जाता है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर का महत्वपूर्ण शासक था। वह महान विद्या प्रेमी और विद्या संरक्षक था। उसकी प्रजा उसे उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु के रूप में भी संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा कहा जाता था या निर्धनों का दोस्त या मित्र भी कहा जाता था। इस काल में सुल्तान की चाची चांद बीबी बीजापुर की वास्तविक शासिका थी। शासन सप्ताह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला के रूप में मध्यकालीन इतिहास में चांद बीबी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदी गीत संग्रह किताब नौरस की रचना की और उसी के शासनकाल में मध्यकालीन भारत के महान लेखक फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता की रचना की। इब्राहिम आदिल शाह ने ही नौरसपुर नामक नगर की स्थापना की एवं अंत में इसे अपनी राजधानी बनाया। इब्राहिम का पुत्र मोहम्मद आदिल शाह इसका उत्तराधिकारी था। मोहम्मद आदिल शाह गोल गुम्बद के नाम से विश्व प्रसिद्ध मकबरे में दफन है, जो विश्व का एक आश्चर्य माना जाता है। स्थापत्य कला का
अत्यंत महत्वपूर्ण नेतृत्व करता है। 1686 में बीजापुर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि मुगल बादशाह औरंगजेब ने बीजापुर को जीतकर मुगल साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा बना लिया। बहमनी साम्राज्य के विघटन के पश्चात एक बनने वाला राज्य बीदर भी था। बीदर की स्थापना अमीर अली वरीद ने की। बीदर को स्वतंत्र घोषित करने के बाद बरीद शाही वंश की स्थापना की। बीदर को दक्कन की लोमड़ी नामक राज्य भी कहा जाता था, क्योंकि यह निरंतर षड्यंत्रों और प्रति षड्यंत्रों को जगह देने वाला राज्य था। 1618-1619 में इस राज्य को बीजापुर के द्वारा हड़प लिया गया। इसमें इमाद शाही और निजाम शाही राजवंशों के संस्थापक हिंदू से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले दक्कनी लोग थे। 1574 में बरार को अहमदनगर ने और 1618 में बीदर को बीजापुर ने हड़प लिया। थैंक यू सो मच।